हेलो दोस्तों, नमस्कार। सी टेक टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं गूगल एडिसन्स पर, जिस पे हम आपको मैनेज टैक्स इन्फो के फॉर्म के बारे में बताएंगे भी आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है, ये एरर कैसे हटानी है। तो सबसे पहले हमने गूगल एडिसन्स अपना ओपन कर लिया है और मैनेज इन्फो पर हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में हमारे पास एक फॉर्म निकल के आएगा, तो आपने इस फॉर्म पर एड टैक्स इन्फो पर क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके बाद में ये कुछ प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद में आपके पास ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी जो आपने गूगल एडिसन्स पे बनाई है, उससे आप पासवर्ड लगा के ओपन कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट करना आपने। अभी कुछ टाइम के लिए प्रोसेस में चल रहा हमारा। अब हमारा ये फॉर्म ओपन हो गया। तो सबसे पहले हमारा इस पर आता है यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो के लिए। तो आपने सबसे ऊपर यहाँ आपने इंडिविजुअल करना है, क्योंकि आपका कोई बिजनेस वगैरह का नहीं है तो आप इंडिविजुअल कीजिए। नेक्स्ट नीचे है कि आप इस नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मांगा जा रहा है कि भाई आप इंडिया के हो या इंडिया से बाहर के, तो आपने इस पर नो पे क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है, क्योंकि हम इंडिया के हैं तो इसलिए हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपका फर्स्ट कॉलम जो आता है, इसमें भी आपने इसको फर्स्ट कॉलम को ही यस रखना है, जिसमें आपसे ये मांगा गया कि भाई आप अमेरिकन हो या आपका इंडिविजुअल अकाउंट है या फिर आपका जो है बिजनेस का अकाउंट, तो आपने इसमें भी आपने पहले अकाउंट उस पे ही यस करके और स्टार्ट करना है। इसके बाद भी प्रोसेसिंग, उसके बाद में आपने थोड़ा सा वेट करना है, सर्वर पर अपलोड हो रहा है ये फॉर्म, तो कुछ टाइम बाद में हमारे पास ओपन हो जाएगा ये फॉर्म। ये देखिए हमारे पास ओपन हो गया। और अब इसमें आपने टैक्स आइडेंटिफाई के बारे में अपना एड्रेस वगैरह ये फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, आप जिस भी कंट्री को हो, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया, मैं इंडिया का हूँ। इसके बाद में आपके पास ये फोर्जन टिन नंबर मांगता है, तो फोर्जन टिन नंबर हमारा इंडिया में उसको पैन नंबर को बोलते हैं, तो हमने अपना यहाँ पैन नंबर डालना है। जिस भी व्यक्ति का गूगल एडिसन्स पे अकाउंट है वही अपना यहाँ पैन नंबर डालें, अन्यथा फिर वो रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं हमारे पास। तो ये हमने इस पर अपना जो है पैन नंबर फिल कर दिया। पैन नंबर फिल करने के बाद में अभी हमने थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है, क्योंकि हमने उसको हाइड रखना है। तो ये सभी डिटेल हमने अभी फोर्जन पे क्लिक कर दी। इसके बाद में जो है हमारे नेक्स्ट ऑप्शन मांगते हैं ये आपका एड्रेस का, तो आपने एड्रेस भी फिल करना है। तो इसमें आप एड्रेस फिल कर सकते हो, जो मैं एड्रेस फिल करने लग रहा हूँ वे आपका एड्रेस में जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है पैन कार्ड के अंदर या जो गूगल एडिसन्स के अंदर आपने जो एड्रेस मेंशन किया है वही एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद में ही नेक्स्ट करना है। मैंने इसको ब्लर किया हुआ है, मैं ये एड्रेस इस पे फिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं शो नहीं करना चाह रहा अपना एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें हाइड रखी जाती हैं। तो आप भी जब भी कभी भी ये चीज़ें, या मान लो आप यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो बनाए, तो ऐसी चीज़ें आपने ये ध्यान रखनी है कि भाई आपका जो परमानेंट एड्रेस है या कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्स, उनको आप उसको ब्लर रख सकते हो। तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया जो हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हमने सिर्फ ये आपका डाटा था, जिसमें हमने ये डाटा डाला गया है कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या पिन नंबर है आपका, कौन सा स्टेट है और किस कंट्री से हो आपका। तो प्रॉपर इसमें आपने मेलिंग एड्रेस में भी वही फिल करना है और परमानेंट एड्रेस में भी। ये आपके दो कॉलम होते हैं, अब दोनों कॉलम के अंदर आप ये दोनों अपने एड्रेस सेम ही डालना है अपने मेलिंग में भी, और ताकि आपके लोगों के पास गूगल से जब भी कोई पिन जाए तो वो आपके प्रॉपर एड्रेस पे पहुंच जाए, इसलिए ये एड्रेस ही मांगते हैं वेरीफाई के लिए। ये देखिए हमने पूरा ये फिल कर दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास होता है टैक्स ट्रेटरी का, तो इसमें क्या होता है कि आपने इसमें बताना है कि आप जो है टैक्स जो हमारी कंपनी है, या मान लो हमारे जो अमेरिकन डॉलर के साथ इंडियन का के साथ भी काम कर सकते हैं, तो हम इसको यस रखेंगे और अपने इंडिया को सिलेक्ट कर देंगे।
कोई भी कंट्री के साथ जो यूएसए के साथ में डॉलर के साथ में काम करती है उनका, तो वो हम इस पे अपने कंट्री का नाम डालना। हमने अपने कंट्री का नाम डाल दिया, उसके बाद में आपके तीन ऑप्शन निकल जाते हैं, और सबसे पहले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और आपने आर्टिकल 7 पैराग्राफ को यस कर देना है। इसके बाद में आपने इस पे 0% पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद में एज लाइक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन होता है मॉन्स, ये टीवी से वगैरह पे ऐड वगैरह के लिए, उसके लिए आप आर्टिकल 12 सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आप 15% सेलेक्ट करना, इसको भी आपने एज ए चेक मार्क पे क्लिक कर देना है और यस कर देना है। इसके बाद में फिर आपका एक लास्ट का ऑप्शन है अदर्स, इसमें भी आप जब भी आप कोई वीडियो बनाते हो तो उसमें कोई एडिटिंग वगैरह जो भी है, फ़ोटो वगैरह कहीं से भी लेते हो तो उसके लिए भी ये मांगा गया है, तो इसमें भी आपने इसको 15% पे सिलेक्ट करना है और आर्टिकल 12 पे। उसके बाद में आपने एज पे इस पे एक्सेप्ट करके चेक बटन पे और इसको नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाएगा, अब आपने डॉक्यूमेंट को प्रूव चेक करना है। तो हमने प्रूव कर चेक कर ले भाई आपका फॉर्म गलत तो नहीं है, अगर गलत है तो आप बैग जाके उसको सही कर सकते हो। तो हमने इस पूरा फॉर्म जो है अपना प्रूव करके चेक कर लिया है, तो आप भी अपना प्रूव करके एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही सबमिट कीजिए। अब उसके बाद में आई कन्फर्म पे आपने चेक बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। इसके लिए ये सर्टिफिकेशन मांगेगा भाई, जो भी बंदा है या जिसके नाम से गूगल एडसेंस है या फिर उसका पैन कार्ड जो भी आपने लगाया है, तो उसका प्रॉपर नाम यहाँ आपने फिल करना है, जो आपके सर्टिफिकेट या पैन अकाउंट नंबर में है वही आपने पूरा नाम इसके अंदर फिल करना है। ये हम इसको फिल कर देते हैं, और इसे ये मांगा गया है कि भाई क्या जो बंदा यहाँ साइन कर रहा है अपना निगल नाम लिख रहा है वो वही बंदा है या फिर कोई दूसरा बंदा है। तो आपने यस पे आपने इस पे क्लिक करके अपना नाम लिख लेना है, जो है आपने यहाँ पे टाइप करना है, तो आपने यस करना है। उसके बाद में अपना यहाँ से नाम, क्योंकि आप इस चीज़ से सहमत हो कि हाँ मैं ही इस चीज़ के लिए मैं ही वही बंदा हूँ जो यहाँ पे साइन करके फिल कर रहा हूँ। तो इसके बाद में आपका हाँ बाद में लास्ट में एक ऑप्शन आता है स्टेटस चेंज एफिडेविट का, इसमें आपने बड़े ध्यान से भरना है स्टेटस। इसमें क्या करना है कि भाई आप क्या पहले कभी इंडिया से सॉरी गूगल एडसन से पहले अकाउंट पेमेंट ले चुके हो या नहीं ले चुके। अगर आप पहली बार ले तो पहले ऑप्शन पे यस पे क्लिक करना है, और अगर आपने पहले ले चुके हैं तो आपने सेकंड ऑप्शन पे नीचे क्लिक करना भी आप नए बंदे नहीं हो, आपने पहले गूगल एडसन से पेमेंट ले चुके हो। तो जिसका चैनल नया है वो बंदा तो सबसे पहले ये आई एम इस पे फर्स्ट कॉलम पे ही आप यस का करके और उसको नेक्स्ट करें। ये देखिए अब इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब इसके बाद में हमने इसको सबमिट करना है, लास्ट आप जो आपका ऑप्शन आता है वो सबमिट का आता है, तो ये आपका हमें एक छोटी ये आपका सबमिट कर दीजिए। अब ये आपका फॉर्म सबमिट पे बटन पे क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिए। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आप लोगों को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो आगे बनाते रहेंगे। थैंक यू।